दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का 29वां मुकाबला लखनऊ के मैदान पर खेला गया और इस मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों इस महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और इस मुकाबले के अंतिम गेंद तक कह पाना मुश्किल था कि इस महामुकाबले पर कौन सी टीम बाजी मारेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं और साथ में हम आपको इस वीडियो में ये भी दिखाने वाले हैं कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों के बाद भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम। खासकर रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की खौफनाक बल्लेबाजी के सामने बेबस नजर आया इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज। तो दोस्तों दिखाएंगे आपको आज के इस वीडियो में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में से महान बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का 29वां मुकाबला लखनऊ के कान्हा के मैदान पर खेला गया। आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि आज के इस मुकाबले में एक बार फिर हार्दिक पांड्या को खेलने का मौका नहीं मिला और उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को ही मौका दिया गया था। आपको बता दें इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने को आमंत्रित किया, क्योंकि दोस्तों पिच को देखकर लगा कि आज लखनऊ की पिच गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होगी, जिसको देखकर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन कप्तान जोस बटलर का यह फैसला इस कदर गलत साबित होगा, इसका अंदाजा जोस बटलर को बिल्कुल भी नहीं था। जी दोस्तों भारतीय टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, लेकिन आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को पार पाना इतना भी आसान नहीं था। जी दोस्तों इंग्लैंड की ओर से डेविड विली पारी का पहला ओवर लेकर मैदान पर आते हैं, जिनका सामना करने के लिए रोहित शर्मा पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन डेविड विली ने मैदान पर आती भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया और विली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ओवर को मेडी निकाल दिया। वहीं पारी का दूसरा ओवर लेकर आए क्रिस वोक्स ने भी शानदार गेंदबाजी की और शुभमन गिल को परेशान करना शुरू कर दिया और शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए अपने ओवर की पहली तीन गेंदों को शुभमन गिल के सामने डॉट निकाल दिया। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल ने पलटवार करते हुए इस ओवर की चौथी बॉल पर पंच करते हुए एक शानदार चौका बटोर लिया और भारतीय टीम दो ओवरों में केवल 4 रन ही बटोर पाई। तो वहीं पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर से डेविड विली लेकर मैदान पर आते हैं, लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने डेविड विली का स्वागत एक शानदार चौके के साथ किया। जब दोस्तों पारी के तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका ठोक डाला, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। अगली गेंद पर रोहित शर्मा ने 36 मीटर का छक्का ठोक कर सबको हैरान कर दिया। पूरा मैदान रोहित के नाम से गूंजने लगा था। वहीं विली के तो होश उड़ चुके थे। अब यहां से रोहित शर्मा को रोकना आसान नहीं था और हुआ भी कुछ वैसा ही। जिया दोस्तों उसी ओवर के अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और छक्का ठोक कर अपने तेवर इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिखाने शुरू कर दिए। अब आलम यह था कि जहां दो ओवरों तक भारतीय टीम का स्कोर मात्र 4 रन थे, अब 3 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 22 रनों तक पहुंच चुका था और पूरे मैदान पर खुशियों का माहौल था, क्योंकि रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर से जमकर धाड़ लगा रहा था। लेकिन उनकी खुशियों को मातों में बदलने का काम किया वोक्स ने। जिया दोस्तों पारी का चौथा ओवर लेकर आए वोक्स ने शुभमन गिल को 9 रनों के स्कोर पर चलता कर दिया और भारत को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को शुभमन गिल के रूप में पहली सफलता दिलाने का कारनामा किया। जदोस्तों पारी का चौथा ओवर लेकर आए वोक्स ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं। वो सभी को आज एक बार फिर से विराट कोहली के बल्ले से विराट पारी की उम्मीद थी। वहीं पारी का पांचवा ओवर लेकर आए विली ने एक बार फिर किफायती गेंदबाजी करते हुए केवल एक ही रन लुटाया और रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को जो गति प्रदान की थी वो एक बार फिर से धीमी पड़ चुकी थी। तो वहीं आज विराट कोहली भी इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने में नाकाम थे और 5 ओवरों तक भारतीय टीम केवल 27 रनों तक पहुंच पाई थी और पारी का छठा ओवर लेकर आए वोक्स ने रोहित के सामने एक बार फिर से ओवर को मेडी निकाल दिया। लेकिन सभी भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि भारत की ओर से शानदार बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के सबसे शानदार बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन पारी का सातवां ओवर लेकर आई विली ने उन सभी को उम्मीदों को तहस नहस कर दिया। जब दोस्तों पारी का सातवां ओवर लेकर आई विली ने विराट कोहली के सामने पहली 4 गेंदों को लगातार डॉट निकाल दिया और विराट कोहली पूरी तरह से दुआ में आ चुके थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया। जय दोस्तों 7वीं ओवर की 5वीं बॉल पर विली ने विराट कोहली को स्टोक के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका दिया और अपनी टीम को विराट कोहली के रूप में दूसरी बड़ी सफलता दिलाने का कारनामा किया। पूरे मैदान पर मातम पसर चुका था, क्योंकि भारतीय टीम ने मात्र 28 रनों के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। विराट कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने को मैदान पर आते हैं और यहां से सभी को उम्मीद थी कि श्रेयस अय्यर रोहित शर्मा का साथ निभाते हुए भारतीय पारी को मजबूती प्रदान करेंगे। तो वहीं दूसरे छोर पर इंग्लैंड के गेंदबाज जमकर कोरा मचा रहे थे और भारतीय बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका भी नहीं दे रहे थे। और आलम यह था कि भारतीय टीम 10 ओवरों तक मात्र 35 रनों तक पहुंच पाई थी और दोनों ही बल्लेबाज के चेहरे पर दबाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि पारी का 12वां ओवर लेकर आए वोक्स ने श्रेयस अय्यर को भी चलता कर भारतीय टीम के बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जी दोस्तों पारी का 12वां ओवर लेकर आए वोक्स ने 4 रनों के स्कोर पर श्रेयस अय्यर को मार्क वुड के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका दे दिया।
जी हाँ दोस्तों, चोट से वापसी के बाद श्रेयस अय्यर के पास आज खुद को साबित करने का अच्छा मौका था, लेकिन एक बार फिर श्रेयस अय्यर उस मौके का फायदा उठाने में नाकाम रहे और एक बार फिर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। अब यहाँ से भारतीय पारी पूरी तरह से बिखर चुकी थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद कमाल लाजवाब राहुल मैदान पर आते और राहुल ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और जो टीम अभी तक वर्ल्ड कप 2023 में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही थी उसी टीम के सामने आज भारत का बल्लेबाजी क्रमदास के पत्तों की तरह बिखर चुका था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि भारत के दो स्टार बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और पारी का 13वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए ओवर में केवल 2 रन लुटाए और 15वें ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर इन दोनों ही बल्लेबाजों के बदौलत 50 रनों तक पहुंच चुका था और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा और 20 ओवरों तक भारतीय टीम का स्कोर 70 रनों के पार पहुंच चुका था। अब यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों में से किसी एक को हाथ खोलने की दरकार थी, लेकिन आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को पार पाना इतना भी आसान नहीं था और पारी का 21वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद की तीसरी गेंद पर चौका ठोककर रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने 18,000 रनों के आंकड़ों को छू लिया और पारी का 24वां ओवर लेकर आए मार्क वुड की तीसरी गेंद पर 2 रन बटोर कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और 50 पूरा होने के बाद रोहित ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और अगली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार छक्का ठोककर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तो वहीं लोकेश राहुल भी अब कहां शांत रहने वाले थे। राहुल ने भी पारी का 25वां ओवर लेकर आए लिविंगस्टोन को आड़े हाथों लेते हुए बैक टू बैक 2 चौके ठोककर ओवर में 11 रन बटोर लिए और अब आलम यह था कि भारतीय टीम का स्कोर 25 ओवरों तक 3 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंच चुका था। लेकिन अभी इन दोनों ही बल्लेबाजों का काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इन दोनों ही बल्लेबाजों की कंधों पर अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को पार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जी दोस्तों, पारी का 31वां ओवर लेकर आए विली ने लोकेश राहुल को 39 के स्कोर पर चलता कर दिया। जी दोस्तों, पारी का 31वां ओवर लेकर आए विली ने लोकेश राहुल को बेरेस्टो के हाथों खींच आउट करवा कर भारत को चौथा बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, लोकेश राहुल ने 58 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की मदद से 39 रनों की अहम पारी खेली थी और कप्तान रोहित शर्मा का जमकर साथ निभाया था। लेकिन लोकेश राहुल अपनी इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकाम रहे थे। उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते हैं और सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। आज सूर्य कुमार यादव के पास खुद को साबित करने का अच्छा मौका था और सूर्य कुमार यादव ने किसी को निराश नहीं किया। जी दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर आते तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और सूर्य कुमार यादव ने विली को एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और 33 ओवरों तक भारतीय टीम का स्कोर 145 रनों के पार पहुंच चुका था और ये दोनों ही बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लगने लगा कि ये दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को एक विशाल का स्कोर की ओर ले जाएंगे। और पारी का 34वां ओवर लेकर आए विली का स्वागत एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने खूबसूरत चौके के साथ किया। तो वहीं 35वें ओवर के अंतिम बॉल पर एक और चौका ठोककर सूर्य कुमार यादव ने बता दिया कि वो आज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। लेकिन पारी का 37वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जी दोस्तों, पारी का 37वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद ने रोहित को चलता कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया और अपनी टीम को रोहित के रूप में बड़ी सफलता दिलाने का कारनामा किया। आपको बता दें, रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 101 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 3 शानदार छक्कों की मदद से 87 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि रोहित शर्मा अपना शतक पूरा करने में नाकाम रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा की पारी किसी शतक से कम नहीं थी, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय टीम लगातार अपने विकेट गंवा रही थी तो वहीं रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए ढाल बनकर इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। उनके आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर आते और सभी को जडेजा से एक शानदार पारी की उम्मीद थी और सभी कयास लगा रहे थे कि जडेजा सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर भारतीय पारी को मजबूती प्रदान करेंगे और 40 ओवरों तक भारत का स्कोर 180 के पार पहुंच चुका था। लेकिन पारी का 40वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद ने जडेजा को चलता कर दिया और भारत को छठा बड़ा झटका दिया। जडेजा ने इस मुकाबले में 13 गेंदों का सामना करते हुए 8 रनों की पारी खेली। तो वहीं सूर्य कुमार यादव दूसरे छोर पर शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके आउट होने के बाद मोहम्मद शमी बल्लेबाजी करने को मैदान पर आते हैं, लेकिन मार्क वुड ने मोहम्मद शमी को जोश बटलर के हाथों कैच आउट करवा कर चलता कर दिया और भारतीय टीम को 7वां बड़ा झटका दिया। उनके आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह मैदान पर आते हैं। तो वहीं पारी का 46वां ओवर लेकर आए मार्क वुड का स्वागत सूर्य कुमार यादव ने शानदार छक्के के साथ किया। पूरा मैदान सूर्य सूर्य के नारों से गूंजने लगा था, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। अगली बॉल पर एक और चौका ठोककर सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाज की दिशा दशा दोनों बिगाड़ दी। हालांकि अगली गेंद पर सूर्य कुमार यादव को मोइन अली के हाथों जीवनदान मिला था, लेकिन सूर्य कुमार यादव उस जीवनदान का फायदा उठाने में नाकाम रहे। जहां दोस्तों, पारी का 47वां ओवर लेकर आई विली ने सूर्य कुमार यादव को वक्स के हाथों कैच आउट करवाकर भारत को 8वां बड़ा झटका दे दिया। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 47 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और एक शानदार छक्के की मदद से 49 रनों की लाजवाब पारी खेली थी। उनके आउट होने के बाद कोई और बल्लेबाज कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, जहां जसप्रीत बुमराह 16 और कुलदीप यादव 9 रन बनाकर चलते बने, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम ने 230 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड के सामने रखा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, आज के इस मुकाबले को कौन सी टीम अपने नाम करेगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।